Bismillah Rahman Rahim, dear student weavers, assalamualaikum Alaikum Jule. Uh, so today in this video uh, I am going to discuss about a topic related to history, class 12th, the second part of the first chapter. So the title of my topic is uh, The Story of First Cities, Harpan Archaeology. As we have discussed the first part of this topic, now we will discuss the rest of the part in this lecture. So this lecture uh, the topics we will be discussing is tracking the social differences of the Harpan civilization. That means how a historian, archaeologist came to know about the social differences of the Harpan civilization.

in this topic is seal script and white of the harpan civilization and the ancient authority what kind of government system was there during harpan civilization and we will be discussing on debate around the religious practice what kind of religious practices is done at that time uh, there is lots of debate about the religious practice of harpan civilization and the लास्ट पॉइंट विल डिस्कस ऑन द टॉपिक द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन दैट मीन्स हाउ द हर्पन सिविलाइजेशन केम टू एन एंड सो ये सारे पॉइंट हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे सो द फर्स्ट पॉइंट ट्रैकिंग सोशल डिफ्रेंसिस की आर्कोलॉजिस्ट किस तरह से हरपन सिविलाइजेशन के टाइम पे जो चीज़ें एक्सकीवेट हुआ जो चीज़ें जो मेटेरियल मिला उसके बेसिस पर किस तरह से सोशल डिफरेंसेस को ट्रेक आउट करते हैं तो सोशल डिफरेंस को देखने के लिए हिस्टोरियन के पास सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो इविडेंस था दैट इज़ स्टडी ऑफ द बोरियल सिस्टम यानी कि जो ज़मीन के अंदर जो वो लोग अपने बॉडी को डेड बॉडी को दफनाते थे तो उस डेड बॉडी से रिलेटेड बहुत सारे बॉन्ड्स हमें मिला है बहुत सारे बरियल साइट्स हमें मिला है बहुत सारे पिट्स रिलेटेड टू ह्यूमन बरीयल सिस्टम हमें हरपन बहुत सारे हरपन साइट से मिला है तो उन साइट्स को उन बॉन्ड्स को स्टडी करने के बाद हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाट काइंड ऑफ सोशल डिफ़रेंसेस वॉज एग्जिस्ट एट दैट टाइम तो बरीयल को कैसे स्टडी करते थे बरीयल से हमें कैसे पता चला हिस्टोरियन को आर्कियोलॉजिस्ट को उनके सोशल डिफरेंसेस के बारे में जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ बरियल्स का हमें इविडेंस मिला सम ग्रेव्स कंटेन पोट्री ऑर्नामेंट्स बहुत मेल एंड वुमेन यानी कि मेल फीमेल दोनों के जो डेड बॉडी के साथ बहुत सारे ऑर्नमेंट्स साथ में दफना हुआ मिला जो इंडिकेट करता है सम काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम और हड़पा जो जगह का नाम है वहाँ से एक्सकवेशन हो गया जिसमें डेड बॉडी के साथ दफनाया हुआ था ह्यूमन बॉन्ड्स के साथ हमें मिला ऑर्नामेंट्स रिंग्स मिला शेल मिला बीट्स मिला और हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीट्स मिला छोटे छोटे बीट्स जो है डेड बॉडी के साथ दफनाया हुआ मिला उनके जो स्कल्स था खोपड़ी था ह्यूमन का उनके साथ में मिला तो ये एक्स एक्सकवेशन ये एविडेंस कुछ हमें दर्शाता है कि उस टाइम पे लोग सामान को अपने साथ दफनाते थे और कई जगह पे तो दफनाया हुआ मिला लेकिन बहुत सारे जगहों से हमें इस तरह का एविडेंस नहीं मिला जो हमें एक सोशल डिफरेंसेस के बारे में बताता है तो हिरको आर्कोलॉजिस्ट हिस्टोरियन कंक्लूड करते हैं कि आल दो रिच पीपुल यूज टू बरी देयर मेटेरियल्स द रिच आर्टिफेक्ट्स विद देअर डेड बॉडी दैट्स वाई वी गोट सच काइंड ऑफ बरियल सिस्टम इन टूडेज लाइफ सो द सेकेंड प्रैक्टिस वॉज दैट कई जगह से हमें मिला कॉपर मेरर का एक कॉपर का मेरर मिला जो डेड बॉडी के साथ दफना हुआ था और बहुत सारे प्रीशियस स्टून का जो आर्टिफेक्ट बनाया हुआ था वो हमें हर पन के बहुत सारे साइट्स से मिला तो उन साइट्स से उन बरियल सिस्टम्स को देखने के बाद आर्कोलॉजिस्ट ने कंक्लूड किया कि बरियल सिस्टम में डिफरेंसेस जो उनके सोशल डिफरेंसेस को दर्शाता है सेकंड एविडेंस हमें मिलता है स्टडी इन द आर्टिफैक्ट्स, यानी कि बहुत टाइप डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स हमें देखने को मिला कुछ तो बहुत ही लग्जोरियस था कुछ आम जो है आर्ट था उससे भी हिस्टोरियन ने आर्कोलॉजिस्ट ने अंदाज़ा लगाया कि देर 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 वॉज सम काइंड ऑफ सोशल डिफरेंसेस फॉर एग्जांपल दो तरह का हमें आर्टिफेक्ट्स मिलते हैं जनरली हम एक्सक्यूशन uh, को देखते हैं तो यूटिलेटेरियन आर्टिफेक्ट्स एंड लग्जोरस यानी कि कुछ आर्टिफैक्ट्स हर जगह यूज़ करते थे बहुत ही ऑर्डिनरी चीज़ का बनाया हुआ था जिसको यूटिलेटेरियन आर्टिफेक्ट्स कहा गया जैसे कि जिसमें आते थे पोट्रीज आते थे नीडल्स आते थे रबर्स क्रेबर्स, बीट्स ये सारे चीज़ें आते थे जो बहुत ही आम लोग हर जगह मिला और हर कोई इसको यूज़ करते होंगे उस टाइम पे और कुछ बहुत ही लग्जोरियस आइटम्स हमें मिला जो नॉन लोकल मटेरियल से बना हुआ था दैट मींस जो हरपा के अंदर जो चीज़ें नहीं मिलता था बाहर से इंपोर्ट करते थे उस चीज़ का बनाया हुआ था गोल्ड का बना हुआ था बहुत ही प्रीशियस जो स्टोन उस टाइम पे वहाँ से मिला बाकी जगहों से इम्पोर्ट करके लाते थे, थे उस उस चीज का बना हुआ था एंड एक जगह से हमें हॉर्स मिला हॉर्स मींस एक ऑब्जेक्ट जो कंटेनर में एक पोर्ट की तरह ऑब्जेक्ट जो कंटेनर में रखा हुआ था जिसमें बहुत ही प्रीशियस चीज़ें रखा हुआ था ज्वेलरीज ये सारे लग, रखा हुआ था वो हमें कहीं जगहों से मिला तो हिस्टोरियन इन सारे इविडेंस को कंक्लूड करने के बाद दे दे स्टडी ऑल दिस आर्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस आर्ट एंड बरियल सिस्टम दे सेट दैट देयर वाज़ सम काइंड ऑफ रिलीजियस सोशल डिफरेंसेस व्हिच वी कैन कंक्लूड सेकंड पॉइंट फाइंडिंग आउट ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन यानी कि हड़पन सिविलाइजेशन के टाइम पे बहुत सारे क्राफ्ट प्रोडक्शंस उन्होंने किया जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे साइट से हमें क्राफ्ट uh, प्रोडक्शन का एविडेंस मिलते हैं फॉर uh, एग्जांपल वो लोग बिट बिट्स मेकिंग का उनके पास टेक्निक था वो बनाते थे बिट्स बहुत सारे बिट्स हमें मिला बिट्स प्रोड्यूस करते थे शेल मेकिंग शेल कटिंग मेटल वर्किंग सील मेकिंग वाइट मेकिंग ये सारे चीज़ें बनाने की फैक्ट्रियाँ उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे और ये सारा इविडेंस हमें चुन दहारो जगह से मिला जिसको एक क्रॉप प्रोडक्शन का सेंटर माना जाता था उस टाइम पे और बहुत सारे वेराइटी ऑफ मटेरियल्स हमें मिला जो बीड्स का बना हुआ था और डिफरेंट कलर का मिक्स करके जो है सीमेंट करके जो, जोड़ के जो है डिफरेंट कलर्स ऑफ स्टोन का हमें बीड्स मिलता है और मेटल और कॉपर ब्रॉन्ज गोल्ड इन सब का जो है टेरिकोटा और बर्न के लिए इन सब का भी हमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिला। सम बिट्स वर मेड ऑफ ऑफ टू और मोर स्टोन जैसे कि मैंने बताया कि दो स्टोन को एक दो कलर के स्टोन को जोड़ा के कुछ जो है आर्टिफैक्ट्स वो लोग बनाते थे स्टोन का फिर इसके बाद <coughs> ग्रीन स्टोन के प्रोडक्ट्स को बनाने के बाद उनको ग्राइंडिंग करते थे पॉलिशिंग करते थे ड्रिलिंग करते थे ये सारा एक्टिविटीज़ जो है क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए वो लोग करते थे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे पिक्चर्स कुछ पिक्चर्स देख रहा है जो ऑर्नामेंट्स और पोट्रीज उस टाइम पे हमें एक्सक्यवेट हो गया जो हरपन सिविलाइजेशन से रिलेटेड था फिर ब्रिज को बनाने के लिए एक स्पेशल टूल्स वो लोग यूज़ करते थे जो हमें ए, बहुत सारे ऐसे टूल्स हमें हरपन के साइड से मिला एक्सकीवेट हो गया यानी कि बिट्स को ड्रिल करने के लिए वो लोग कुछ टूल्स यूज़ करते थे एक स्पेशल ड्रिल करने का टूल्स हमें लोथल दुल्हारिया और चुंदादोर जगह इन तीन जगहों से मिला और नागेश्वर और बालाकोट से हमें बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिला जो वो लोग शेल मेकिंग के लिए यूज़ करते थे बेंगल्स हमें मिला जो लेडीज़ यूज़ करते थे तो ये सारा इविडेंस जो है उनके आर्टिफेक्ट्स बनाने के तरीके और आर्टिफेक्ट्स कैसे बनाते थे कौन कौन सा टूल्स यूज़ करते थे और किस तरह का आर्टिफेक्ट्स बनाते थे इन सारे चीज़ों के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं अब सवाल आते हैं कि किस तरह से आर्टिफेक्ट्स का जो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन का सेंटर था एक जगह से हमें कुछ आर्ट मिला उससे हम बता सकते थे कि ये चीज़ें जो है ये आर्ट वो लोग यूज़ करते होंगे तभी उन जगहों से मिला लेकिन हम ये हिस्टोरियन ने आर्कोलॉजिस्ट ने कैसे कंक्लूड किया कि एक पर्टिकुलर जगह एक फैक्ट्री था जो चीज़ें बनाने का फैक्ट्री आइडेंटिफाई किया गया तो ज़ाहिर सी बात है कि आर्कोलॉजिस्ट ने स्टडी किया जिन जिन, जिन जगहों पर रॉ मटेरियल जो चीज़ जो चीज़ बनते थे फॉर एग्जाम्पल बिड्स बनाते थे कॉपर और टूल्स कॉपर का ऑर्नामेंट्स बनाते थे या स्टोन का ऑर्नामेंट्स बनाते थे उससे रिलेटेड बहुत सारे रॉ मटेरियल उस जगह से मिला जो ऐसे ही सेक्रेटेड तरीके से फेंका हुआ था दैट मीन्स जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं किसी भी फैक्ट्री में उस अगर फैक्ट्री का एरिया आइडेंटिफाई करेंगे तो वहाँ पे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे वेस्ट मटेरियल अवेलेबल होंगे तो उस एरिया को आइडेंटिफाई एज ए फैक्ट्री आइडेंटिफाई किया गया फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं आपका कंटेक्ट विद लेन यानी कि हरपन सिविलाइजेशन का किस तरह का कंटेक्ट दूसरे जगहों से था और कैसे कौन कौन सा इवेंट्स के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हरपन सिविलाइजेशन का एक ट्रेड रिलेशन एक कंटेक्ट दूसरी जगहों से था तो इसके लिए बहुत सारे इविडेंस हमें मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल एक वेसल मिला हमें जिसको आइडेंटिफाई किया हरपन जार से आइडेंटिफाई किया जो बिल्कुल ही थिक लेयर का बना हुआ था और ऊपर से ब्लैक कलर का कोट किया हुआ था जो हमें ओमानी साइड से मिला ओमान ओमान जगह से हमें वो मिला जो हरपन से रिलेटेड था फॉर एग्जाम्पल अब यहां पे 17 पिक्चर पे देख रहा है ये पर्टिकुलर जार जो है वो हमें बिल्कुल ही एक डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वसील था जो आम आम देखने को नहीं मिलता है हारमन सिविलाइजेशन में एक पर्टिकुलर टाइप का जार जो बहुत ही थिक था और ऊपर से ब्लैक कलर का कोट किया हुआ था जो एक पर्टिकुलर चीज के लिए एक लिक्विड को रखने के लिए यूज करते होंगे तो ये चीज जो हरपन से बिलोंग्स करते थे वी फोन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओमानी साइट देन आफ्टर दैट हमें बहुत सारे मिलता है कि सम काइंड ऑफ केमिकल एनालाइज करने के बाद हमें पता चल जाता है कि ओमानी कॉपर और हरपन हरपन हैव ए ट्रेसेस ऑफ निकल निकल का ट्रेसेस हमें मिलते हैं केमिकल एनालाइज करने के बाद इन ऑब्जेक्ट्स को जिससे जो एक कॉमन ओरिजिन एक सजेस्ट करता है कि एक जगह से ये निकल ये इस टाइप ऑफ निकल जो है एक जगह से जो है ओरिजिनेट हुआ होगा जिससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दो सिविलाइजेशन दो जगह पे इस तरह का चीज़ें जो एक जगह से प्रोड्यूस किया गया वो मिलना ये भी दर्शाता है कि देर वॉज आ सम काइंड ऑफ कंटेक्ट बिटवीन दैट पर्टिकुलर एरियाज देन हमें मिलता है बहुत सारे आ, जो है आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स फॉर एग्जांपल हमें मिलता है मेसोपोटामियन क्या बताइए ये आर्कोलॉजिकल फाइंड सजेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस कंटेक्ट इंक्लूड हरपन सील वाइट डाइस एंड बीट्स यानी कि हरपन सिविलाइजेशन के टाइम पे जो सील्स मिला जो वाइट और डायस और बीट्स मिला ये भी बहुत सारे जगहों से मिला और बहुत सारे सील्स जो है हमें Uh, दूसरे जो सिविलाइजेशन फॉर एग्जांपल आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वहाँ से मिला और कुछ सील्स में शिप का जो है फिगर मिलते हैं जो दर्शाता है कि शिप वो लोग यूज़ करते होंगे उस टाइम पे एक जगह से दूसरे जगह ट्रेड करने के लिए तो ये जो पिक्चर में सील देख रहा है जिस पे शिप का पिक्चर है और नीचे जो सील एक सिलेंडरिकल शेप का सील है और एक सील जो आ, रेक्टेंगल शेप में है ये सारे छोटे छोटे सील्स जो है हमें इन जगहों से मिला जो क्लियरली बताता है कि कुछ ना कुछ ट्रेड रिलेशन उनके बीच में था फिर इसके बाद और एक कंट्रैक्ट के लिए हमें एविडेंस मिलता है कि मेसोपोटामियन टेक्स क्योंकि मेसोपोटामियन कल्चर का स्क्रिप्ट जो है डिसाइफर हो चुका है उनके स्क्रिप्ट कैसा था लैंग्वेज जो है पता चल गया है तो उस टैक्स से हमें उनके टैक्सेस से हमें पता चल जाता है कि देर वॉज ए क्लोज कंटेक्ट बिटवीन हरपन सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन तभी तो उनके स्क्रिप्ट में हरपा का हरपा का नाम यानी कि हरपा का नाम एज ए मागन एंड मलोहा इन दो जगह इन दो नाम से हरपन सिविलाइजेशन को जाना जाता था इन दो नाम जो है ये दो नाम हमेसोपोटाम स्क्रिप्ट में हमें मिला फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट फ्यूचर जो हर्पन सिविलाइजेशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एविडेंस हमें एज एन एविडेंस मिला दैट इज सील स्क्रिप्ट एंड वाइट बहुत सारे सील प्रोड्यूस किया गया उस टाइम पे मिला हमें बहुत और उनके सील्स पे हमें यह भी पता चल जाता है कि उन वो लोग एक स्क्रिप्ट यूज करते थे लिखने के लिए कम्युनिकेट करने के लिए एक्सक्रिप्ट भी यूज़ करते थे लेकिन Uh, कैसा स्क्रिप्ट है वो कौन सा लैंग्वेज है अभी तक आ, जो है डिसाइफर लैंग्वेज नहीं हो गया लेकिन फिर भी वो लोग एक स्क्रिप्ट यूज करते थे तभी तो बहुत सारे जो है उनके साइट्स से हमें सीलों पे इस तरह का स्क्रिप्ट्स का न, लिखा हुआ मिला और एक प्रॉपर वाइड एंड मेजर के बारे में हम पढ़ेंगे किस तरह से वाइड एंड मेजर इस टाइम पे यूज़ करते थे वो बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे तो सील एंड सीलिंग सील जो है किसके लिए यूज करते थे एक तो लॉन्ग डिस्टेंस को कम एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करने के कोई इंफॉर्मेशन पास करने के लिए सील यूज करते होंगे और सील के ऊपर हमें एक तो किसी एनिमल का नक्शा मिला और दूसरी तरफ से ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिला स्क्रिप्ट लिखा हुआ मिला हिस्टोरियन कंक्लूड करते हैं कि ये वो लोग ये जो लिखा हुआ चीज है वो सील पे जो लिखा हुआ है वो सेंडर का नाम और नाम आइडेंटिफाई करने के लिए वो सील यूज करते होंगे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए वो लोग क्या करते थे यानी कि उनके जो सामान जिस चीज में रखते थे उसके उसको रस्सी से बांधते थे और बांधने के बाद उस पर एक क्ले का सील जो है चिपकाते थे ताकि वो सामान सेफली बिना जो है टेम्पर करे एक जगह से दूसरे जगह पहुंचे और उस सील पे कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क होते थे गाय का होते थे और बहुत सारे जानवर का मार्क होते थे और साथ में कुछ लिखा भी हो होता था ये हिस्टोरियन अंदाज़ा लगाते हैं कि वो लोग सेंडर का कोई एड्रेस जो जहाँ पे भेजना है उसके लिए एक एड्रेस वहाँ पे लिखते होंगे तो जानवर इसलिए वहाँ पर जानवर का नक्शा इसलिए है ताकि जो लोग जो है स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाते थे वो जानवर से ही पहचान जाते थे कि ये किस जो है आ, सेंडर ने किसने इस पर्टिकुलर सामान को भेजा है जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 1.22 जो फिगर्स यहाँ पे है वहाँ पे देख रहा है कि एक सील है जिसमें जानवर का भी नक्शा है और एक स्क्रिप्ट ऊपर से लिखा हुआ भी है तो जो स्क्रिप्ट उनका है स्क्रिप्ट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो स्क्रिप्ट जो है अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ है कि वो क्यों कौन सा स्क्रिप्ट है लेकिन बहुत सारे स्क्रिप्ट हमें स्क्रिप्ट्स बहुत सारे पिक्चर्स हमें इस तरह का मिला है कुछ पिक्चर में एनिमल का फिगर्स था कुछ आ, स्क, आ, स्क, आ, सील्स में आ, तो उन उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली अराउंड 375 से, से लेकर 400 के बीच में हमें सील्स मिला है छोटे छोटे सील्स जिस तरह का आज क्वाइन यूज़ करते हैं उस तरह से उस टाइम पे टेरेकोटा का एक हार्ट का लेकर सील वो लोग यूज़ करते थे उस सीलों पे हमें साइंस मिला वो साइंस अराउंड 375 से लेकर 400 के बीच में अलग अलग फिगर्स हमें मिला जो यहाँ पे पिक्चर में आप देख भी रहा है तो सबसे लंबा साइन जो एक जगह पर कंटेन करते थे उस तरह का हमें मिला ट्वेंटी साइंस जो है एक जगह पे इकट्ठा मिला फिर एक साइन बोर्ड हमें मिला दुल्हारिया एक जगह का नाम है साइट है वहां से साइन बोर्ड मिला तो उस दुल्हारिया शहर के बिल्कुल ही गेट पे एक साइन बोर्ड उस टाइम पे शायद चिपकाया होगा आ, तो रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं हिस्टोरियन तो उस साइन बोर्ड पर इस तरह का लिखा हुआ था जो एक पिक्चरिक स्किक शेप में कुछ लिखा हुआ था जो आप पिक्चर में देख रहे हैं देन आपका जो उनका स्क्रिप्ट लिखने का तरीका आइडेंटिफाई किया गया कि वो लोग राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे जिस तरह से हम उर्दू लिखते हैं उस तरफ़ से राइट से लेफ़्ट की तरफ वो लिखते थे वो कैसे पहचाना कि बहुत सारे ऐसे सील्स पे हमें मिला कि राइट पे बिल्कुल गेप बिल्कुल गेप के साथ जो है लिखा हुआ था जब लेफ़्ट पे पहुँचते पहुँचते बिल्कुल ही ऐसा लिखा हुआ था कि स्पेस की जगह का जो है कमी हो गया है तो बिल्कुल इकट्ठा लिखा हुआ था कुछ नीचे भी लिखा हुआ था तो इससे हिस्टोरियन जो है कंक्लूड करते हैं कि अंदाज़ा लगाते हैं कि प्रोबली दे और देर राइटिंग सिस्टम और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि डिफरेंट शेप्स जो है हमें पिक पिक्टोग्राफिक साइंस हमें मिला है इस तरह का और सीलों पे जानवरों का अलग अलग जानवरों का नक्शा मिला कुछ जानवर तो ऐसा था जो बिल्कुल ही एक मेथोडोलॉजिकल जानवर जो जिनका बिल एक ही सिंग होना बिल्कुल जानवर बहुत ही बड़ा होना और जानवर के साथ जो है इंसान का एक यौगिक पोस्चर में बैठना इस तरह का सील्स हमें मिलता है जो उनकी कुछ बिलीफ सिस्टम या उनकी ए, कुछ रिलीजस लाइफ के बारे में भी हमें इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं तो हरपन सिविलाइजेशन के टाइम पे बहुत सारे ए, एक यूनिफाइड वाइट एंड मेजर सिस्टम उस टाइम पे था यूजअली दे मेट ए स्टून कॉलिट चर्ट एक चार्ट टाइप के स्टून का वो लोग वाइट एंड मेजर वाइड करने के लिए स्टोन का बनाते थे चर्ट मीन्स एक काइंड ऑफ स्टोन जो क्यूबिकल शेप में था क्यूबिक शेप में बहुत सारे स्टोन का टुकड़ा मिला जो वो लोग एज ए वाइड एंड मेज़र यूज़ करते होंगे उस टाइम पर और हमें ये भी पता चल जाता है कि उनका वाइड एंड मेज़र जो है लोअर डायमेंशन में बाइनरी सिस्टम और अपर डायमेंशन में डिसिमल सिस्टम वो लोग यूज़ करते थे फिर इसके बाद एक स्केल भी मिला हमें मेटल का स्केल मिला आ, शायद वो लोग मेज़र करने के लिए वो यूज़ करते होंगे फिर इसके बाद ह, हम हिस्ट, हिस्ट्री में ये जाना जाता है कि हड़प्पा वाज़ द फर्स्ट टू डेवलप यूनिफाइड वर्ड एंड मेज़र सिस्टम फर्स्ट जो सिविलाइजेशन जिस टाइम पे एक यूनिफाइड यूनिफाइड मीन्स हर जगह जो यूज़ करते थे उनके साइट्स में जो सामानों को चीज़ों को तोलने में नापने में यूज़ करते थे उस तरह का मेजर वार्ड एंड मेजर सिस्टम जो है बिल्कुल ही एक एडवांस सिस्टम उस टाइम पे डेवलप हो चुका था उनके सिविलाइजेशन में हमें एक स्मॉल स्केल एवरी का स्केल मिला जो वन पॉइंट लोथल से मिला तो और ब्रिक्स का भी एक ही साइज़ था ब्रिक्स का भी एक ही रेशो एक परफेक्ट रेशो से बनाते थे फिर हमें कुछ एविडेंस से उनके टाइम पास यानी कि कौन कौन किस तरह का एम्यूज़मेंट, यानी कि गेम वो लोग खेलते थे उससे भी हिस्टोरियन कंक्लूड करते हैं कि एक जगह से हमें डाइस मिला तो हिस्टोरियन कंक्लूड करते हैं चेस वो लोग खेलते थे हंटिंग फिशिंग बुल फाइटिंग बर्ड हंटिंग ये सारे म्यूजिक डांसिंग ये सारे चीज़ें वो लोग उस टाइम पे करते होंगे तो इविडेंस से यही बताते हैं कि मोस्टली दे वॉर द लवर ऑफ इंडोर गेम इंडोर गेम वो ज़्यादा खेलते थे तो एनशियन अथॉरिटी के बारे में एक किंगशिप सिस्टम के बारे में एक डिबेट चल रहा है एविडेंस के बेसिस पर बहुत सारे हिस्टोरियन ने अपना अपना व्यूज दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग आर्कोलॉजिकल एविडेंस जैसे कि कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि हरपन सिविलाइजेशन के टाइम पे कोई रूलर्स नहीं था वो हर कोई सोसाइटी में इक्वल जो है स्टेटस रखते थे कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि देर वॉज नो सिंगल रूलर बट देर वॉज रूलर रूलिंग सिस्टम देर वारे रूलर प्रोपबली बट देर वॉज नो रूल सिंगल रूलर सिंगल रूलर मीन्स यानी कि इस सिविलाइजेशन में अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूलर्स थे फॉर एग्जांपल हड़प्पा का एक अलग रूलर था मोहनजुदारो का अलग रूलर था तो ये ऑफर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ द आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स और कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि देर वॉज ए सिंगल रूलर जो मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन मोस्ट ऑफ दी जो है आ, आ, हिस्टोरियन इसको एक्सेप्ट करते हैं प्रोबली दिस वॉज दफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट क्योंकि हमें हरपन सिविलाइजेशन के हर जगह एक जो है यूनिफॉर्मिटी मिला चाहे वो बिल्डिंग्स बनाते थे चाहे वो शहर बनाना शहर को दो पार्ट में बनाना जैसे कि हमने पहले जो है लेक्चर में इसको डिस्कस किया डिटेल में और शहर में एक यूनिफॉर्म ब्रिक्स का यूज़ करना और एक यूनिफॉर्म वाइड एंड मेज़र बहुत सारे आर्टिफेक्ट्स बनाना एक ट्रेड सिस्टम चलना मास लेवल पे जब लेबर का यूज़ करना बहुत सारे हमें ऐसे स्ट्रक्चर मिला है जो मास लेवल पे ही लेबर यूज़ करके ही बना सकते हैं तो सारे इन सारे एविडेंस को देखते हुए यही पॉसिबल है कि एक यूनिफॉर्म किंग अथॉरिटी एग्जिस्ट करते होंगे तभी तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकता है जैसे कि एक फिगर जो है स्टोन का फिगर हड़पन सिविलाइजेशन के कहीं साइड से मिला जो आप पिक्चर में देख रहा है थ्रू जो फिगर में आप देख रहा है जिसको एज ए प्रिस किंग माना गया एक किंग प्रिस किंग आइडेंटिफाई किया गया क्योंकि इस तरह का प्रिस किंग का जिक्र हमें मिलता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में एक प्रिस किंग रूलर जो है एक प्रिस्ट होते थे और प्रिंस किंग का जिक्र उनके टैक्सेस में है तो अब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और हरपन सिविलाइजेशन एक साथ में एग्जिस्ट करते थे तो ये फिगर एक प्रिस्ट की तरह देख रहा है तो एक प्रिस्ट किंग को जो है शायद उस टाइम पे हुआ होगा एक किंगशिप सिस्टम होगा ये भी एक एविडेंस जो है एज ए एविडेंस इस फिगर को भी हिस्टोरियन ने आइडेंटिफाई किया इसके बाद बहुत सारे डिबेट है उनके रिलीजस प्रैक्टिसेस पे कि वो कौन सा रिलीजन वो लोग फॉलो करते थे किस तरह का बिलीफ सिस्टम था तो फॉर एग्जाम्पल हमें क्ले का सील मिला आप पिक्चर में जो देख रहा है 1.26, इसको मदर गोडस के नाम से आइडेंटिफाई किया गया ये एक ऐसा मूर्ति जो फीमेल है जिसको मदर गोडसेस के नाम से इसको आइडेंटिफाई किया गया और एक सील से हमें एक इंसान जिसका हेड में एक हॉर्न था और एक यौगिक पोस्चर में बैठा हुआ सील से मिला जो नीचे वन पॉइंट ट्वेंटी फिगर पे देख रहा है तो उसके साइड में पूरा एनिमल का फिगर और ऊपर कुछ लिखा हुआ इसको आइडेंटिफाई किया एज ए पशुपति शिव शिव का जो आजकल जो हिंदू रिलीजन में शिव का पूजा करते थे शिव का एक यौगिक फॉर्म जो है इसको एज ए मेल शिव गोट जो है आइडेंटिफाई किया गया फिर इसके बाद बहुत सारे सीलों पे हमें हाँ। एनिमल्स का फिगर्स मिलते हैं बहुत सारे रिलीजस जो बरियल सिस्टम था वो एक रिलीजस चीज़ को दर्शाता है जैसे कि सामानों को अपने डेड बॉडी के साथ दफनाना दैट मींस दे और द बिलीवर ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ फिर इसके बाद कुछ ऐसे चीज़ें मिला स्टोन का जो लिंग लिंग जो है लिंग या फलूस योनी पूजा उस टाइम उस टाइप से रिलेटेड करते हैं हिस्टोरियन शायद वो लिंग पूजा करते होंगे तभी तो एक लिंग की शेप में कुछ स्टोन्स हमें मिला है पीपल का कहते हैं कि पीपल ट्री से ट्री और एनिमल सन वाटर स्नैक फायर इन सारे जो है चीज़ों का जो है नक्शा जो है हमें कहाँ से मिलता है एक उनके जो सील से मिलता है जिससे ये हिस्टोरियन अंदाज़ा लगाते हैं कि प्रबली देवार वर्शिपर ऑफ दी नेचर नेचर को वो लोग वर्शिप करते होंगे और तीन तरह का बरियल सिस्टम आइडेंटिफाई करते हैं कंप्लीट बरियल डेड बॉडी को बिल्कुल ही बरी करना कंप्लीट फ्रैक्शनल बरियल मीन्स डेड बॉडी को ऐसे छोड़ देना फिर इसके बाद उन जब कीड़े परिंदे उसको खा जाते थे फिर इसके बाद उनकी बॉन्ड्स को बरी करते थे देन क्रीमेशन यानी कि डेडबॉडी को जलाना जलाने के बाद उनकी जो एशिस को जो है बर्तनों में रख के किले के पोट्रीज़ में रख के दफनाते थे तो इस तरह का एविडेंस हमें मिलता है फिर इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट डिबेट इस हरपन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है कि उनका एंड कैसे हो गया हरपन सिविलाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किस तरह से ये सिविलाइजेशन एक प्योरली अर्बन सिविलाइजेशन था एक एडवांस सिविलाइजेशन उस टाइम पे अराउंड 5000 से लेकर 1900 के बीच में एग्जिस्ट करता था फिर 1900 के बाद ये डिक्लाइन हो गया तो इसका डिक्लाइन हो गया हम ये कैसे कह सकते हैं किस एविडेंस के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया फिर से हिस्टोरियन या आर्कोलॉजिस्ट जो मटेरियल रिमेंस को देखते हैं आर्थ को स्टडी करते हैं उनकी जो चीज़ें मिला है उनको स्टडी करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि एरोन 1900 बीसी के बीच में हमें जो वो लोग वाइट एंड मेज़र यूज़ करते थे सील यूज़ करते थे उनका जो ट्रेड सिस्टम था इस तरह का एविडेंस हमें 1900 बीसी के बीच में हमें नहीं मिलता है दैट मीन्स जो चीज़ें वो लोग यूज़ करते थे इस पीरियड के बाद उस तरह का चीज़ें और इस पीरियड के बाद में हमें नहीं मिलता है तो ये यह एक चीज़ दर्शाता है कि इस टाइम पे अब उनकी सिविलाइजेशन जो है डिक्लाइन हुआ होगा एंड अराउंड 1800 के बीच में हड़पन का साइट्स से हमें कोई भी ऐसा चीज़ जो है हमें देखने को नहीं मिलता है एक्सक्यूवेट नहीं हो गया तो इस वजह से इस सिविलाइजेशन को माना जाता है कि अराउंड 1800 दे वर्क केम टू द एंड उनका एंड हो गया और एक उसके बाद जो हमें एविडेंस मिलता है दैट वाज द प्योरली अर्बन रूरल रूरल सिविलाइजेशन यानी कि शहरी ज़िंदगी नहीं था उनका एक रूरल लाइफ जीते थे जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल पे और कुछ एग्रीकल्चर करना छोटा मोटा और इस तरह का uh, चीज़ें एविडेंस हमें मिलते हैं तो हिस्टोरियन ने बहुत सारे रीज़न दिया है कि क्यों वो लोग डिक्लाइन हो गया हरपन सिविलाइजेशन जो बहुत ही एक एडवांस सिविलाइजेशन था ये अचानक सा एक ही टाइम पे अराउंड 1900 से 1700 के बीच में ये ख़त्म क्यों हो गया तो डिफरेंट डिफरेंस व्यूज देते हैं कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि क्लामेट में चेंज होने की वजह से उनका सेटलमेंट जो है एग्रीकल्चर सिस्टम इन ये सारे चीज़ें जो है इफ़ेक्ट हो गया और अल्टीमेटली उनका लाइफ ख़त्म होने पे आ गया कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन एक्सेसिव डिफॉरस्टेशन लीड टू द डिग्लैंड ऑफ द एग्रीकल्चरल एंड इकोनॉमिक सिस्टम विच अल्टीमेटली रिजल्टड इन द डे ऑफ द हरपन सिविलाइजेशन वाटर फ्रेंड फेयर सीविस ये कहते हैं कि पॉपुलेशन की इंक्रीज की वजह से एग्रीकल्चर पे लोट आ गया एक्सेसिव डिफॉरस्टेशन हो गया जिसकी वजह से उनकी जो सिस्टम में लाइफ सिस्टम में इकोनॉमिक सिस्टम में और एग्रीकल्चर सिस्टम में बहुत सारे डिफेक्ट आ गया जिसकी वजह से वो लोग ख़त्म हो गया कुछ कहते हैं कि बहुत सारे हिस्टोरियन देते हैं कि हम बहुत सारे फ्लट आ गया जिसकी वजह से वो ख़त्म हो गया कुछ कहते हैं कि देर वॉज द एविडेंस ऑफ द शिफ्टिंग एंड ड्राइंग ऑफ द रिवर्स यानी कि जो रिवर्स जहाँ जिस रिवर के आसपास वो लोग रहते थे उन उन रिवर में पानी कभी पानी ख़त्म हो गया और कभी तो फ्लट आ गया जिसकी वजह से वो सारा सिविलाइजेशन दब गया ये भी एविडेंस देते हैं और कुछ हिस्टोरियन फॉर एग्ज़ाम्पल मोटमर वेलर वो कहते हैं इन्वेजन ऑफ द आर्यन वॉज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर द हरपन डिग्लाइन आर्यन की इन्वेजन की वजह से हरपन सिविलाइजेशन डिग्लाइन हो गया ये एविडेंस देते हैं वो लोग अपने स्टडी के बेसिस पर ये सारा थ्योरीज जो है डेवलप किया गया है और अल्टीमेटली लास्ट में कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी थ्योरी यानी कि हरपन सिविलाइजेशन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो गया वो उन्होंने सर्वाइव किया कुछ प्रॉब्लम्स आ गया जो नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से उनकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन तो आ गया लेकिन फिर भी वो लोग लो सर्वाइव करके इसके बाद जिंदा रहा है तो इस एविडेंस को मैक्सिमम इंडियन हिस्टोरियन इसको सपोर्ट करते हैं क्योंकि आजकल तो डीएनए टेस्ट हो रहा है कि उस साइड से जो चीज़ें मिला बॉन्ड्स मिलते हैं उनको डीएनए एन टेस्ट कर रहा है कि उनका डीएनए अभी एग्जिस्ट है कि नहीं देख रहा है तो रिसेंटली कुछ फाइंडिंग्स हुआ राखी ग्रह से वहाँ से जो चीज़ मिला उसका डीएनए टेस्ट किया तो पता चला कि अंडोमान के लोग जो है इससे रिलेटेड करते हैं अंडोमांस और कुछ सेंट्रल एशियन लोग जो है आरान लोग है इससे रिलेटेड करते हैं तो इससे पता चल जाता है वो लोग सर्वे किया तो इसी के साथ मैं लेक्चर को एंड करता हूं और होप करता हूं कि आपने ये सारे पॉइंट अंडरस्टेंड किया होगा तो अल्टीमेटली आप सबको सुनने के लिए शुक्रिया नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तब तक बाय बाय